हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मॉर्टल जब लाइव आए थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि क्या आपको लैन इवेंट खेलने का मन होता है, तो उसका उन्होंने रिप्लाई किया। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाइम्स रैन खेलने का मन होता है क्या? लैन खेलने का देखो, लैन पे वो फील लेने का मन होता है। खेलो ना खेलो, फील जाके। तो चलिए अब अगेन उसकी बात कर लेते हैं। तो जो मेरी वीडियो बहुत पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा, मैंने एक वीडियो पोस्ट करके बताया था कि जो डेथ नोट है वो सोल के प्लेइंग फॉर्म में क्यों नहीं है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसको मैं शॉर्ट प्ले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अमन भाई ने बताया था कि जो रोस्टर है BGIS के लिए वो लॉक हो चुका है, इसलिए सिनर्जी के लिए सोल की एक ही प्लेइंग फॉर खेल रही है, उसमें डेथ नोट नहीं है। लेकिन अमन ने अभी बात करी कि जो डेथ नोट है उसको BGIS की लाइनअप में क्यों नहीं रखा, तो इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। युवा डेथ नोट अगर फॉर्म में तो उसको क्यों नहीं खिला रहे हो? थोड़ा सा सीन अलग है, वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर आवर BGMI रोस्टर एंड तब तक डेथ नोट का बहुत गंदा परफॉर्मेंस था एज यूजुअल बोलो, मतलब अच्छा खेलता है वो, परफॉर्मेंस एज अ टीम इन गेम टीम में अभी तक था, लेकिन अभी लास्ट 5 दिन से डेथ नोट इज़ लाइक गॉड ऑफ BGMI ऐसा लग रहा है। डेथ नोट और युवा मतलब क्या लेवल परफॉर्मेंस लेवल जो इस तरीके से इन लोगों ने इम्प्रूव किया है ना, मेरा देख करके एक बार तो फट गया है। युवा भाई तो 9-10 स्किल्स निकाल रहे। एग्जैक्टली युवा आज और कल में आज भी उसने 10 स्किल निकाले, कल भी उसने 10 स्किल निकाले, आज भी एक 1v4 किया, कल भी अच्छा खासा 1v3 1v4 किया। युवा ने आज सारे मैचेस में पहली 2 एंट्री निकाली है और वो कोई मजाक नहीं है। लाइक आप टीम के लिए हर बार पहले के 2 एंट्री निकाल रहे हो तो कोई गॉड हो आया। डेथ नोट का 1v4 भी रिव्यू करना है, कल वाला तो मैंने देखा था VLT वाला। आई पर्सनली डोंट लाइक प्रॉपर 1v4 था उसका, वो जो बिना किसी सपोर्ट के कोई कवर फायर के प्रॉपर क्राउच का एक कंपाउंड रहता है, क्राउच अप क्राउच अप क्राउच अप करके कहीं ना कहीं मुश्किल होता है सीन। तो चलिए अब अगेन उसकी बात कर लेते हैं। तो रेगल्टा उससे पूछा गया कि वो बूट कैंप कब जाने वाले हैं, तो इसका रिप्लाई देते उन्होंने कहा कि अब डायरेक्ट वहां जाके इसके बारे में बात करेंगे। एंड ये न्यूज मैंने पहले ही कम्युनिटी पोस्ट में डाल के बता दी थी, तो ऐसे शॉर्ट न्यूज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।